हेलो दोस्तों, क्या आप भी अपनी फोटो को और अच्छा बनाने के लिए फिल्टर यूज करते हैं? क्या आपको भी इंटरनेट पे स्टोरी डालना पसंद है? कुछ याद आया? जी हाँ, आज हम बात करेंगे इंस्टाग्राम की, जिसमें मैं आपको इंस्टाग्राम से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन बताऊंगा और इंस्टाग्राम की हिस्ट्री के बारे में भी बताऊंगा। तो बने रहिए हमारे साथ, इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इंस्टाग्राम को किसने बनाया था? ये सवाल काफ़ी बार आपके दिमाग में आया होगा, और या फिर किसी ने आपसे पूछा भी होगा। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। इंस्टाग्राम के फाउंडर्स में दो नाम आते हैं, पहला इंस्टाग्राम के CEO केविन स्ट्रॉन्ग का, और दूसरा इंस्टाग्राम के को फाउंडर माइक क्रीगर का। दोनों ने ही अपनी पढ़ाई स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पूरी की, जहां पर केविन ने अपनी इंटर्नशिप ऑडियो कंपनी से पूरी की, जो बाद में ट्विटर के नाम से जानी जाती है। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, ऑडियो कंपनी पॉडकास्ट कंपनी थी जो मोस्टली ऑडियो और वीडियो से डील करती थी। वहीं माइक क्रीगर ने अपनी इंटर्नशिप माइक्रोसॉफ्ट में पूरी की। इंटर्नशिप के बाद जहाँ पर केविन ने 2 साल गूगल में काम किया, वहीं माइक ने 2 साल मीबो में काम किया। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, मीबो फेसबुक की तर्ज पे बनी हुई एक ऑनलाइन चैट सर्विस थी, जिसे बाद में गूगल ने खरीद लिया और उनके सभी स्टाफ को अपने गूगल प्लस के डेवलपर के साथ मर्ज कर दिया। सो केविन ने अपनी जॉब छोड़ी और एक ऐसे आइडिया पे फोकस किया जो उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल देने वाला था, और ये आइडिया था कि एक ऐसी ऐप बनाना जिसमें फोटोज और अच्छी आए और हम जल्दी से जल्दी उन फोटो को शेयर कर सके, और इसी तरह इंस्टाग्राम बना। केविन सिस्ट्रोम एक ऐप पे काम कर रहे थे जो कि एक फोटो और वीडियो शेयरिंग ऐप था, जिसे फर्स्ट टाइम उन्होंने 6 अक्टूबर 2010 में एप्पल के ऐप स्टोर पर अपलोड किया, और आप जानते हैं सिर्फ 2 महीने के अंदर ही इसके 1 मिलियन डाउनलोड हो गए। लेकिन हैरानी की बात ये है कि दुनिया के सबसे पॉपुलर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड में ये ऐप 3 साल बाद लॉन्च हुई, जिसकी एग्जैक्ट डेट है 3 अप्रैल 2013। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि अपने लॉन्च के 12 घंटों के अंदर ही इसने 1 मिलियन डाउनलोड्स का आंकड़ा पार किया प्ले स्टोर पर, जो कि किसी भी ऐप का रिकॉर्ड है। अब इतने डाउनलोड होते हैं तो उतने यूजर भी होंगे। क्या आप जानते हैं इंस्टाग्राम के कितने यूजर हैं? 700 मिलियन यूजर। जी हाँ, इंस्टाग्राम के 700 मिलियन यूजर है, और इसके डेली मंथली एक्टिव यूजर की संख्या 400 मिलियन से पार है। लेकिन आप जानते हैं इंस्टाग्राम के इतनी पॉपुलर होने की वजह क्या है? इंस्टाग्राम के फीचर्स। जब ये स्टार्ट हुआ था तो इसमें काफ़ी बेसिक फीचर थे, जैसे कि फ़ोटो को लाइक करना, फ़ोटो पे कमेंट करना और फॉलो करना। लेकिन टाइम के साथ इसमें भी काफ़ी चेंजेस आए। इसमें डायरेक्ट मैसेज का ऑप्शन आया, उसके बाद फ़ोटो को सेंड करने का ऑप्शन आया, फिर फ़ोटो बुकमार्क और फ़ोटो आर्काइव का भी ऑप्शन आया। लेकिन इतने फीचर होने के बावजूद भी अगर हम इसके सबसे पॉपुलर फीचर की बात ना करें तो बात पूरी नहीं होगी। सो इंस्टाग्राम का सबसे पॉपुलर फीचर है इंस्टाग्राम स्टोरी फीचर, और इसके 100 मिलियन यूजर हैं जो डेली स्टोरी अपलोड करते हैं, जिसमें से आप भी एक होंगे। चलिए अब बात करते हैं पोस्ट एंगेजमेंट की। सो एंगेजमेंट होता क्या है? इंगेजमेंट मतलब इंटरैक्शन। जब भी कोई 2 पर्सन या 2 से ज़्यादा पर्सन किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे इंटरैक्ट करते हैं तो उसे पोस्ट एंगेजमेंट कहते हैं। दोस्तों, आप सबको ट्विटर का हैशटैग फीचर तो याद ही होगा। जिसे नहीं पता वो मेरी ट्विटर पे बनाई हुई वीडियो ज़रूर देखे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। ट्विटर का हैशटैग और इंस्टाग्राम का टैग फंक्शन दोनों सेम होते हैं। ये दोनों पोस्ट के एंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए यूज़ होते हैं, और जब भी हम कभी टैग यूज करते हैं तो वो हमारी पोस्ट की एंगेजमेंट को 12% तक बढ़ा देता है। मतलब हम ज्यादा लोगों को अपनी एक पोस्ट दिखा सकते हैं। इंस्टाग्राम में भी कुछ पॉपुलर टैग्स हैं, जैसे लव, इंस्टागुड और मी। इंस्टाग्राम में दिन के हिसाब से भी टैग पॉपुलर है। क्या आप जानना चाहते हैं वो टैग कौन से हैं? चलिए मैं आपको बताता हूँ। संडे के लिए सेल्फी संडे, मंडे के लिए मोटिवेशन मंडे, ट्यूसडे के लिए ट्रांसफॉर्मेशन ट्यूसडे, वेडनेसडे के लिए वुमेन क्रश वेडनेसडे, थर्सडे के लिए थ्रोबैक थर्सडे। फ्राइडे और सैटरडे का मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो आप मुझे बताएंगे कमेंट में। सो ये आपका होमवर्क है।
दोस्तों इंस्टाग्राम फोटो अपलोडिंग के आइडिया पे बेस है। अगर देखा जाए तो ये काम तो फेसबुक भी करता है, पर इंस्टाग्राम इतना पॉपुलर क्यों हुआ? इसके कुछ रीजन है जो मैं इस पॉइंट में आपको क्लियर करूंगा। दो ऐसे रीजन है जिसकी वजह से इंस्टाग्राम काफी पॉपुलर हुआ, जिसमें से पहला रीजन ये है कि इंस्टाग्राम में फिल्टर थे, और दूसरा रीजन है जियो टैग। चलिए मैं आपको फिल्टर के बारे में थोड़ा और बताता हूँ। फिल्टर फोटोज को इफेक्ट देते हैं, जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट हो गया और भी कई तरह के फिल्टर्स होते हैं, इससे आपकी फोटो और अच्छी आती है। और दूसरा जियो टैग। जियो टैग एक ऐसा फीचर है जो कि मोस्टली ट्रैवलर यूज करते हैं, या जो कहीं लोग घूमने जाते हैं वो यूज करते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि इंस्टाग्राम में सबसे पॉपुलर फिल्टर कौन सा है। इंस्टाग्राम का सबसे पॉपुलर फिल्टर है नो फिल्टर, और वहीं जियो टैग में सबसे पॉपुलर लोकेशन है न्यूयॉर्क सिटी, और उसमें भी टाइम स्क्वायर सबसे ज्यादा बार यूज होने वाला जियो टैग है। दोस्तों जिस तरह से इंस्टाग्राम के यूजर बढ़ रहे थे, वो फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल साइट्स के लिए बहुत ही मुश्किल खड़ी कर सकते थे, और इसी बात ने फेसबुक के सीईओ को इंस्टाग्राम को खरीदने के तरफ जोर दिया। लेकिन केविन सिस्ट्रोम जो कि इंस्टाग्राम के सीईओ हैं, वो कंपनी को बेचना नहीं चाहते थे और इंडिपेंडेंट कंपनी बने रहना चाहते थे। पर इंस्टाग्राम के 2010 में स्टार्ट होने के बाद उन्होंने फैसला कर ही लिया कि वो कंपनी बेचेंगे। सो ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी ने उन्हें पहला ऑफर दिया $500 मिलियन का। उन्हें ऑफर पसंद नहीं आया। बाद में मार्क जुकरबर्ग जो कि फेसबुक के सीईओ हैं, उन्होंने $1 बिलियन प्लस स्टॉक्स का ऑफर दिया, जिसे केविन ना नहीं कर पाए। और इस तरह से फेसबुक ने इंस्टाग्राम को खरीद लिया, और अब इंस्टाग्राम फेसबुक के कैलिफोर्निया के ऑफिस में शिफ्ट हो गया। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि जब फेसबुक ने इंस्टाग्राम को खरीदा, तब इसके सिर्फ 13 एम्प्लॉय थे। जी हाँ, फेसबुक ने सिर्फ 13 एम्प्लॉय को $1 बिलियन में खरीदा। दोस्तों मैंने इंस्टाग्राम के बारे में काफी कुछ बता दिया, जैसे कि ये कब स्टार्ट हुआ, इसे किसने बनाया, इसके डेवलपर जो थे वो क्या काम करते थे, इंस्टाग्राम में ऐसे कौन से फीचर्स पॉपुलर हैं, इसकी यूएसपी क्या है, इस तरह की कई चीजें आपको बताई हैं। लेकिन ये जो चीज मैं बताने जा रहा हूँ, ये इंस्टाग्राम से थोड़ा हट के है। आप जानते हैं इंस्टाग्राम के इतने सारे यूजर हैं, अगर इतने यूजर हैं तो कुछ सेलिब्रिटीज भी तो होंगे। तो क्या आपने कभी सोचा है कि इंस्टाग्राम में सबसे ज्यादा कौन सा सेलिब्रिटी फॉलो होता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। इंस्टाग्राम 3 देशों में बहुत ज्यादा यूज होता है, USA, जापान और ब्राजील। और इंस्टाग्राम के ज्यादातर सेलिब्रिटी भी जो ज्यादा फॉलो किए जाते हैं, वो भी यहीं से रिलेटेड है, इसी जगह से रिलेटेड है। तो पहला आता है सेलेना गोम्स, जिनके 128 मिलियन फॉलोअर्स हैं। उसके बाद एरियाना ग्रैंडी, और फिर आते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिनके 112 मिलियन फॉलोअर्स हैं। दोस्तों इंस्टाग्राम कहता है कि इंस्टाग्राम के जितने भी यूजर हैं, वो एटलीस्ट 2 ब्रांड को तो फॉलो करते ही हैं। तो कभी आपके दिमाग में ऐसा सवाल आया है कि इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा कौन सा ब्रांड फॉलो होता है? तो वो सबसे ज्यादा फॉलो होने वाला ब्रांड है खुद इंस्टाग्राम, जिसके 226 मिलियन फॉलोअर्स हैं। और इसी तरह ये सबसे ज्यादा फॉलो किया जाने वाला इंस्टाग्राम का ब्रांड है। दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट जरूर करें, और इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को दिल बोले ऑसम को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए और भी लेके आता रहूंगा, और इस चैनल पे मेरी कुछ और वीडियोस के लिंक मैं इसके वीडियो के एंड में दे रहा हूँ, आप चाहे तो इस पे क्लिक करके इसे देख सकते हैं। थैंक यू।